थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका युद्ध घोष में। तो कल पुलवामा में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन सियासत है कि इस पूरे मामले पर जारी है। तो हमले की खबर मिलते ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जो सामने आए, रणदीप सुरजेवाला, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक एक उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उरी, पठानकोट और पुलवामा आतंकी हमलों की लिस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता अभी भी जारी है और मोदी सरकार चुप बैठी है। इस बयान का कि इस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, जबकि देश में एक आतंकी हमला हुआ था और ऐसे में सियासत की जा रही है, विपक्ष पर हमला, जो सत्ता पक्ष है उस पर हमला बोला जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं। तो आतंकी हमलों की लिस्ट और सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में 5 साल में ये 17वां बड़ा हमला है और उरी और पठानकोट इससे पहले के कई बड़े उदाहरण हैं। आइए, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार में ये 17वां बड़ा उग्रवादी हमला है पिछले 5 साल में। पंपोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा अटैक, सुंजवान आर्मी कैंप अटैक और न जाने कितने और छोटे और बड़े हमले मोदी सरकार की नाक के नीचे आए दिन हमारे सैनिक तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उरी, पठानकोट, पुलवामा आतंकी हमलों की लिस्ट और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी हुई है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार में 5 साल में 17वां बड़ा हमला है, उरी और पठानकोट इससे पहले के कई बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी हमारी सेना के जवानों के सिर काट कर ले जाते हैं और मोदी जी चुप रहते हैं, आतंकी हमारी सीमा में घुसते हैं और सरकार चुप रहती है। तो साफ तौर पर मोदी सरकार पर उनका निशाना था। वहीं पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का भी अभी ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का हल तभी निकल सकता है। उनका कहना है कि गालियां देने से कुछ नहीं होगा, गोलियों से भी बात नहीं बनेगी, बल्कि पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए। तो जहां एक देश एक तरफ उबाल में है, लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जनता ईंट का जवाब पत्थर से मांग रही है, वहीं नेता घटना पर सिर्फ संवेदना व्यक्त करते हुए बातचीत करना ही उचित समझ रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया कि सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है उन्होंने, और पठानकोट, पुलवामा जो आतंकी हमले हुए उनकी याद दिलाई। उन्होंने कहा ये 17वां बड़ा हमला है मोदी सरकार के रहते हुए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी टेबल पर बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जानी चाहिए, जबकि देश में एक तरफ उबाल है। आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जब शहीदों को देश नमन कर रहा है, और दूसरी तरफ जो गुस्सा आप देख रहे हैं लोगों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर, लोग ईंट का जवाब पत्थर से चाह रहे हैं। जो घटना कल हुई है उसका कड़ी कार्रवाई चाहते हैं लोग, और ऐसे में बातचीत, लेकिन फिर भी
जो नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने कहा है कि बातचीत से बात बनेगी, ना कि गोलियों से, ना कि गालियों से। तो एक तरफ देश शहीदों को नमन कर रहा है, लोग गुस्से में हैं और चाहते हैं कि जो घटना कल हुई है गुस्से में है देश और शहीदों को नमन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि बातचीत करें पाकिस्तान के साथ और फिर और इसी मुद्दे को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। प्रभात रंजन दीन जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मौजूद हैं, विवेक श्रीवास्तव जी नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ हैं, मनोज यादव जी नेता सपा, अमित गुरु प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद यादव जी प्रवक्ता पीएसपीएल और साधना जग्गी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो प्रभात जी सबसे पहले आपके पास आएंगे, देश सर्जिकल स्ट्राइक 2 की मांग कर रहा है, वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ये बयान देते हैं कि हमें बैठकर बातचीत करनी चाहिए, जबकि बैठकर बातचीत बहुत हो चुकी है लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं निकला है और एक और आतंकी हमला हुआ है जिसमें देश ने 40 जवान खो दिए हैं। धन्यवाद हिमांशु, और यह आज का डिबेट का बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय पर हम लोग उतरने के पहले, बातचीत करने के पहले, हम खुद व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से और अपने जो भी वक्ता हमारे साथ हैं सब लोगों के साथ समवेत एक शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जो शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है और ये जो हमारी हम लोगों की जो बातचीत है वो एक चिंता को लेकर है कि एक तरफ शहादतें हो रही हैं और दूसरी तरफ शहादतों को लेकर सियासत हो रही है। ये ठीक बात है कि सियासत के बिना बहुत सारी बातें अधूरी रहती हैं, सियासत का भी लेकिन कंसर्न राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए और केवल नारे तक राष्ट्र और देश को सीमित और केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है अब लोगों की क्या मांग होती है, लोग भारतवर्ष के लोग सेंटिमेंट्स पे कुछ ऐसी भी मांग करते हैं कि आज वो अचानक अगर युद्ध की मांग होने लगे तो सरकार को बहुत सारी बातों को सोचना पड़ता है कि क्या युद्ध है इसका निराकरण है, क्योंकि इसके पहले भी कई युद्ध से भारतवर्ष गुजर चुका है लेकिन क्या इससे कोई निराकरण निकला। ये जो जो जिस तरह से घात लगाकर जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, सुरक्षा जो सुरक्षा सैनिक हैं, फौजी हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो जिस तरह से मारे जा रहे हैं वो पिछले अगर 33 दशक से देखा जाए तो वो लगातार इसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ये एक समग्र रूप से सब लोगों को, सारे राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सब लोगों को बैठकर इसका निराकरण सोचना चाहिए कि आखिर इसका, क्योंकि ये देश की समस्या है, यह एक तरह का आपातकाल है और इस आपातकाल का कोई मेरा राजनीतिक सेंस नहीं है, यह एक राष्ट्र की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि यह आपातकाल का समय है और ऐसे समय में सारे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर और इस पर विचार करना चाहिए। और आप ये देखिए हिमांशु कि इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, देश का जो जो आपने शीर्षक भी रखा है, आपने विषय भी आज के डिबेट का रखा है कि सियासत शहादत पर सियासत क्यों, तो ये जो 70 साल में जो लोगों को सियासत 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 केवल देखने का जो मौका मिला और देखने का वो जो विवशता मिली उसमें क्या हुआ है ना कि अगर शहादतें भी होती हैं तो उसके भी पीछे कोई ना कोई सियासी वजह तलाशने का सिलसिला शुरू होता है,
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये प्लॉट किया गया आदि आदि आदि। मैं केवल एक संकेत ये कह रहा हूँ। और यहाँ जितने भी सारे वक्ता हैं इनके साथ ये बात होनी चाहिए कि केंद्र सरकार पर, जो भी केंद्र सरकार में जो भी पार्टी हो उस पर ये दबाव बने। अब ये बात करने का समय नहीं है कि किसने फसल बोई और काट का कौन रहा है, कौन लंबे समय तक शासन किया और कौन नहीं किया, क्योंकि अगर इस पर अगर आएंगे तो बहुत सारे थ्रेड्स हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो अभी जो हादसा हुआ, अभी जो घात लगाकर मारा गया, उसके पीछे जो दल हैं, जो आतंकी संगठन हैं, वो वही संगठन हैं जिनको हम ही लोगों ने दामाद बनाकर काबुल तक पहुंचा दिया था। तो बेसिक बात यह है कि हम लोगों ने जो गलतियां की हैं, इसका मतलब है, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए प्रवक्ता जो भी हैं बैठे हुए वो पढ़ लिख कर आए हैं और हमको लगता है कि एक अच्छी फसल राजनीति में आने वाले भविष्य में आने वाली है। मैं एक मिनट समय ले रहा हूं थोड़ा ज्यादा। तो ये जो नई फसल है इसके बारे में सोचे कि समानांतर तरीके से कि क्या हमारे देश के जितने भी नेता पैदल हैं क्या दिमाग से, कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब सत्ता में रहते तो अनाप शनाप हरकतें करते हैं और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो फिर अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो क्या कंट्री इस तरह से चलने वाला है? तो आपने जो है देश का जो देश की जो जनपंचायत है, देश का जो देश की जो जनता है, उसका मजाक बना के रखा हुआ है डेमोक्रेसी में। इस तरह से अभी हम आपसे बता रहे हैं, हम वक्ता दीर्घा के सामने में भी हम स्पष्ट बता रहे हैं कि सीआरपीएफ में कई सारे ऐसे भी कमांडेंट्स और डिप्टी कमांडेंट्स हैं मनोज जी, जो हमारे रिश्तेदार हैं और हम ये खबर सुन रहे हैं और हमारी चिंता हो रही है। हम फोन कर रहे हैं उनको कि पंकज तुम ठीक हो कि नहीं, भावना ठीक है कि नहीं। तो आप ये बताइए कि हमारे घर में हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो खुद डिप्टी कमांडेंट हैं, उनकी उनकी जो पत्नी है वो डिप्टी कमांडेंट है और वो सब वहां पर हर पल खतरे में है। तो हर पल खतरे में है तो भाई ठीक है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड होता है कि सेना जो सीमा पर तैनात है हैजार्ड है उसका, एक प्रोफेशनल ये है कि चलिए खतरा होता है, लेकिन ये खतरा इस तरह का थोड़ी होता है क्या आप राजनीति में मारे चले जा रहे हैं बच्चों को। तो इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने का ये है। और हम शायद ये छोटा सा फोरम हमारा है लेकिन हम लोग शायद बातचीत करें तो इतनी गहरी बातचीत हो कि इसकी तासीर दूर तक जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, तो अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन सुरजेवाला जब बयान देते हैं तो उस राजनीतिक जो है वो बयान होता है, कहते हैं कि 17वां अटैक है और जो है सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? कुछ ही घंटों पहले एक आतंकी हमला होता है, एक साथ खड़े रहने की जरूरत है कि इस पर ये गिनाने की जरूरत है कि सरकार में ऐसा हो रहा है, सरकार में वैसा हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं शहीद जवानों के परिजनों को मैं अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूं और इस दुख की घड़ी में पूरा देश और पूरा दल, यहाँ जो पूरा डिबेट में बैठे सारे प्रवक्तागण और जो भी हमारे पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, सब लोग, पूरा देश 130 करोड़ की जनता आज भारत के साथ, उन शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ, पूरी सरकार पक्ष विपक्ष सारे लोग एकजुट हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि हम निश्चित तौर पे सरकार के साथ हैं, शहीदों के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और किसी भी मुद्दे पे एक्स वाई जेड कोई भी बात हो हम एकजुट हैं और रहेंगे, तो ऐसे में सुरजेवाला जी के बयान को सीधे हम खारिज करते हैं और उन बातों पे बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। लेकिन वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं बिल्कुल वो प्रवक्ता हैं। अच्छी बात हुई। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर ये बात कह दी है तो बहुत साफगोई से हमें स्वीकार करना है, हमारे दल के सारे नेता, क्योंकि हमारे सबसे वरिष्ठ तो वही है, हमारे प्रेसिडेंट है, तो हम उनकी बात का स्वागत और समर्थन करते हैं, पूरा देश कर रहा है और यहाँ से कहीं से दलगत विरोध की बात बिल्कुल नहीं है। आज का दिन राजनीति करने का दिन बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं सत्ता पे सियासत की बात को भी हम बहुत ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए इस पे बात करें कि आगे से इस तरह की घटना करने की ताकत पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्कों का, पाकिस्तान जैसे फिरका परस्त देश को हम पनपने न दें और ऐसी मिसाल दें। हम फिर कहना चाहते हैं सरकार के साथ हैं, एक कड़ा फैसला लिया जाए और पाकिस्तान को उसके उसी की भाषा में, बहुत हो गया, अभी हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रंजन जी साहब कह रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और बिना किसी हेजिटेशन के खुल के पूरा देश, पूरी पार्टियां, सारे लोग, सारे संस्थान
देश के सरकार के साथ है, आप कार्रवाई करिए, और देश भी इंतजार कर रहा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक जी क्या कहेंगे आपकी 17वां, जिस तरह से सुरजेवाला जी ने कहा 17वां जो है अटैक है, और इस बार तो 40 से ज्यादा जो है जवान शहीद हुए। हिमांशु जी, शहीदों को नमन करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, पूरा देश शोक में है। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने राहुल गांधी जी के बयान पर बल दिया, मैं राहुल गांधी जी के बयान का भी स्वागत करता हूं। उनके जो प्रवक्ता सुरजेवाला हैं या जो सिद्धू जी हैं, उनके बयान को इन्होंने कहा कि दरकिनार किया जाए, मैं इनके इस भावनाओं का भी समर्थन और स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। आज पूरा देश को सेना के साथ सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये हिंदुस्तान की दिल पे हमला है, उसकी आत्मा पे हमला है, पूरे हिंदुस्तान को बांटने तोड़ने के लिए आक्रमण हुआ है। आज हिंदुस्तान ने अपनी एकता का प्रदर्शन नहीं किया तो ये पाकिस्तान के जो ये दरिंदे हैं ये पता नहीं क्या क्या जुल्म ढाएंगे। आज सबको एकजुट होकर के इनको कड़ा सबक सिखाने की आवश्यकता है। सरकार संवेदनशील है, हर स्तर विचार विमर्श जारी है, इस पे उचित समय पर उचित कार्रवाई उचित जवाब सरकार जरूर देगी। मैं आज यहाँ पे इतना ही कर सकता हूँ, शहीदों के परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है, हम तय दिल से उनके साथ हैं। मनोज जी साथ हैं क्या? देखिए बात ऐसी है कि इस पे बोलने से मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दल बचने की कोशिश करेंगे और एक ही बात कहेंगे जो देश सुनना चाहता है, और ये ठीक भी है, सही पहलू है। लेकिन चर्चा का मतलब यही नहीं कि सकारात्मकता पे सिर्फ चर्चा हो जाए और जो कमियां हैं उन पे बात ना हो। अगर ऐसी बातें होंगी तो मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण होगा इस डिबेट का भी और इस देश के लिए, क्योंकि इस देश में सिर्फ वही चर्चा होती है जो जिसके फायदे के लिए होती है। जब नुकसान की बात होती तो उस पर चर्चा नहीं होती है। मैं उन सारे शहीदों को नमन करूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन शहीद के घर वालों को। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक शहीद के घर पहुंचे हैं, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी जवानों के घर तक समाजवादी लोग पहुंचे, और हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि उनके भी मंत्री विधायक और तमाम लोग पहुंचे। शायद यही सबसे बड़ी उनकी ताकत होगी जब उनके घर पे, शहीदों के घर पे तमाम राजनेता और तमाम अधिकारी आला अधिकारी पहुंचेंगे। पूर्व के तमाम सारे ऐसे चीजों में देखा गया है कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो डीएम तक के पास समय नहीं होता कि वो जाए और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। ये सारी चीजें सरकार को भी देखनी पड़ेंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज ये बात कही जा रही है कि इसका राजनीति ना की जाए, इस पर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ, लेकिन हिमांशु जी एक बात गौर करिए और मुझे बताइए, और मेरे ख्याल से वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे पैनलिस्ट हैं, पिछले 5 साल में इतने अटैक हुए क्या? कितनी सर्वदलीय बैठक हुई है पाकिस्तान के मुद्दे को लेके, कश्मीर के आतंकवाद के मुद्दे को लेके, और जो नक्सल पूरा पूरी तरीके से नक्सल जो क्षेत्र है, चाहे वो झारखंड हो छत्तीसगढ़ हो, उसके कई सारे 13 से लेके अब तक कितने सारे केस हो चुके हैं, उन पे सर्वदलीय बैठक क्या प्रधानमंत्री जी ने बुलाई? क्या तमाम सारे विपक्ष के पार्टियों को एक बात कही गई कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी करेंगे जिससे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? क्या ये जरूरी नहीं था इस देश में? क्या सारे दलों के साथ पाकिस्तान से लड़ने की जो एक ताकत दिखानी चाहिए थी, क्या वो मौजूदा सरकार के हाथ दिखी? अगर दिखी हो तो मुझे बताया जाए, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि पूरी सरकार के साथ विपक्ष एक स्वर में आज भी खड़ा हुआ है। आप आगे, आपको आगे जिम्मेदारी देश ने दे रखी है, आपको अटैक करना है, कितना आसानी से कह के चले गए, फिर वही सर्जिकल 2 की तरह फिर कोई एक मूवी बनेगी, फिर कोई बीजेपी उसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी और बताएगी हाउस द जोश, इसी तरह की बातें। लेकिन विपक्ष, एक सेकंड विपक्ष में होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि सरकार पर प्रेशर डाले, ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जब आपको प्रयागराज जाना था तब पूरे प्रदेश को जो है आपने ऐसा कर दिया, लेकिन जब कभी ऐसी बात आती है तब आप जो है सामने नहीं आते हैं, कोई आंदोलन नहीं। क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार बताए, सरकार कह रही है कि हम समय पे कार्रवाइयां करेंगे। और आप परसों से आज तक आप बताइए कि कितनी सर्वदलीय बैठक के लिए क्या बात हुई? क्या अब तक एक बार भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? विपक्ष की पार्टियों को साथ में प्रधानमंत्री जी लेके मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मीटिंग करने का समय कहां है?
उनको तो देश के डेवलपमेंट चुनाव नजर आ रहे हैं। इस बात को मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा, मनोज तिवारी ट्रोल हो रहे हैं ट्विटर पे, क्या हो रहा है कल से, वो इलाहाबाद में गाने गा रहे हैं और बीजेपी अपने तमाम सारे जो कार्यक्रम है उनको रद्द कर रही है, और उनके सांसद विधायक मंत्रियों के किस तरह के काम है, क्या इस बात को इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे आप? दूसरों पे सुरजेवाला पे आप वो क्वेश्चनिंग उठा देंगे, समाजवादी पार्टी पे कोई क्वेश्चनिंग उठा देंगे, अन्य दल पे क्वेश्चनिंग मीडिया उठा देगी, मैं कल से सब देख रहा हूं। लेकिन क्या बीजेपी के मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, प्रधानमंत्री जी को भाषण दे देने भर से सब कुछ सही हो जाएगा? अगर हो जाए तो मैं स्वागत करता हूं, पाकिस्तान डर जाए तो उसका स्वागत होगा, सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं है तो उसका स्वागत मैं करता हूं। विवेक जी कह रहे हैं साथ में नहीं बैठा रहे हैं, टाइम ही नहीं है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है, इस अवसर पर ऐसी बात कह रहे हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी सर्वदलीय बैठक में नहीं बनती। हम सर्वदलीय बैठक में एक दूसरे को विश्वास में लेते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ा जो दल के नेता राहुल गांधी ने सरकार को मनोज तिवारी का वो क्या है, सरकार को समर्थन दे दिया, कौन से गाने गा रहे हैं इलाहाबाद में महोत्सव में, मनोज तिवारी कौन सा दिवालियापन है, तिवारी सरकार पैसे का प्यार है क्या उनको, मनोज तिवारी सरकार के मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है बीजेपी के, मनोज तिवारी सरकार बीजेपी के सांसद नहीं है, प्रधानमंत्री जी उनके दब पे सांसद में नहीं बैठे हैं। इस घटना के बाद नहीं हो, मैं इसी घटना की बात कर रहा हूँ, कल की बात है, इस घटना के बाद कोई कार्यक्रम उनका ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ही बुद्धिमान है और आप ही जानते हैं ट्विटर वो गलत है, बिल्कुल गलत है, आप लोग जानते हैं आप इस देश को भ्रमित कर रहे हैं, इसी वजह से आप गलत समय मनोज जी गलत बात कर रहे हैं, इनकी आंखें नहीं खोली जाएंगी, आप गलत समय गलत बात कर रहे हैं, ये देश को देश के जवानों की समय बहस करने का नहीं मनोज जी, 1% नहीं है, सरकार के साथ हो गया थोड़ा राजनीतिकरण ना होता, पैसे का खेल ना होता, मनोज जी सरकार के साथ और देश के साथ सेना के साथ खड़े होने का है, ये समय आपसी बहसबाजी का नहीं है। बिल्कुल साधना जग्गी जी, साधना जग्गी जी आपके पास आ रहे हैं, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरे मामले को आपने देखा, जिस तरह से लोग पूरे देश जो है चाह रहा है कि इस बार जो है ऐसी सिर्फ कड़ी निंदा कर देने से या फिर बयान दे देने से काम नहीं चलेगा, इस बार कुछ कदम उठाना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी शहीदों को जो शहीद हुए हैं, उनको नमन करना चाहूँगी और हम उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं। मैं ये बताना चाहूँगी, मैं खुद एक सैनिक की पत्नी हूँ, मेरे हस्बैंड उस एरिया में रहे हैं और 11 साल रहे हैं कश्मीर में वो, और सन 89 में मेरे हस्बैंड गवर्नर साहब के ADC थे, इसी तरीके गवर्नर का शासन था, गवर्नर राज्यपाल शासन था, और गृह मंत्री जी की बेटी रुबैया जी का किडनैप हो गया था उस समय, और कितने सारे आतंकवादियों को रिहा करने पे वो उनको छोड़ा गया था। तो 89 से मैं वहाँ एक्टिव देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा नहीं हमारी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड घर नहीं आते थे, मतलब 10-10 दिन मैं उनकी शक्ल नहीं देखती थी, कभी कहीं, इट वॉज गवर्नर रूल, एंड तब से ये चल रहा है, 30 years हो रहे हैं अभी, जैसे कहा प्रभात जी ने, एग्जैक्ट 30 years हो रहे हैं, और हमने तो एक एक पल को वहाँ जिया है, हमें लगता था इस फ्लाइट में चार्टर्ड प्लेन में गए हैं, अगले पल पता नहीं वापस ये लोग आएंगे या नहीं। फिर सन 2000 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई कुपवारा में, कुपवारा में जब ये गए इनके आगे सेम ID पड़ा था उस बस में, और आधी बस उड़ गई, ये बिल्कुल पीछे बैठे थे और एक ऑफिसर की वाइफ थी इनके साथ, उसके बगल में बच्चा था, और बच्चा नीचे बाहर जाके बेबी गिर गया और ड्राइवर के परखच्चे उड़ गए, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इनके CO थे कर्नल चौहान, वो गए थे कुपवारा से लेकर हंडवारा तक, हंडवा बीच में उनके ऊपर ब्लास्ट हो गया और 3 ब्रिगेडियर थे उसमें और एक कर्नल, वहीं पे उनकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। सेम ये कल हुआ है जो 350 kg विस्फोटक सामग्री मिली है, क्या ह्यूमन राइट हम लोग करते हैं, क्या इतना अधिकार उनके परिवारों को नहीं है कि उनकी बॉडी को डिग्निटी मिल सके, उनको पता ही नहीं कि उनके बॉडी के टुकड़े कहाँ गए, आई मीन दिस इज द स्टेटस ऑफ हमारी फोर्सेस के साथ ये हो रहा है, इट्स रियली बैड, और लोग राजनीति दल बैठ के निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ये समय एक्शन लेने का है, दिस इज नो टाइम। अब इस समय आप बताइए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं, उनकी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है, हम ये वेटिंग फॉर देम कि वो कब बोलेंगे क्या बोलेंगे। हमारे गृह मंत्री जी तो वहां पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि सेना को पूरी पावर दे दी जाएगी, और सेना को जब पावर दी जाती है तो बता के जो एक्शन उन्होंने लेते हैं वो लोग, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, दैट इज टोटली कॉन्फिडेंशियल, और मुझे तो लग रहा है इस पर एक्शन होगा, परंतु ये बड़ा है आतंकवाद तो 30 साल से मैं तो लगातार देख रही हूँ और हम भुक्त भोगी हैं। मेरे को तो बच्चों का ये लगता था कि सुबह पापा का क्या फोन आ जाएगा, कैसे होगा, और सेम अब उन फैमिलीज के साथ हो रहा है, मतलब आई एम सरप्राइज कि उनके बॉडीज भी उनको नहीं मिली हैं।
किसी की बॉडी कहाँ गई, उनको अंतिम क्रिया का अंतिम राइट्स उनको पता नहीं कि हम लोगों में हिंदुओं में इस चीज़ को बहुत अहम माना जाता है कि शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, परंतु हमारे यहाँ हमारे जवानों को हमारे सैनिकों को इतना भी अधिकार नहीं है। हम लोग कल से रो रहे हैं इसी बात को लेके कि क्या हुआ है, दिस इज टू मच। साधना जी बहुत 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 दुखद, बहुत दुखद ये पूरा मामला। और कल से कहा जा रहा है कि जो देश आजाद हुआ है, तो हम लोगों ने सबने, चाहे हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, किसी भी पार्ट ऑफ एनी पार्टी, इतनी मुश्किल से आजादी को प्राप्त किया, कितनी मुश्किल से, तब तो कुछ नहीं था। और उस आजादी को अब बनाए रखने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा जी, साफ तौर पर, साफ तौर पर। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।